जंगल। आप सभी को जय मसीह की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। ये वीडियो बड़े काम का है आपके लिए। अगर आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, आइए आदत डाल दो। अगर प्रार्थना करने का मन नहीं करता है तो आज से ही ये प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आपको सीरियल देखने की आदत बढ़ गई है तो उसे अभी बंद कर दो। अगर शादी से पहले अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने की आदत पड़ गई है तो उसे अभी बंद कर दो और प्रार्थना करो कि यीशु अभी मत आओ। अगर आप मुंह से गाली निकालते हो तो ये सब बंद कर दो। और गुटखा चबाना, बीड़ी, सिगरेट, दारू शराब पीने की आदत पड़ गई है तो उसे अभी बंद कर दो। जो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है इसके लिए धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। अभी आप जिंदा हो, अपने जीते जी अपने पापों से पश्चाताप कर लो, वरना किसी दिन अचानक आपके बॉडी से आत्मा निकल गया तो आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी समय है, जो आज गए हैं मरकर, जो कल गए हैं मरकर, बिना सुषमाचार ही के मर गए होंगे, उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही होगी। वे लोग उस समय धनवान की साइड तड़प रहे होंगे। बाइबल बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। जो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा उसको ध्यान से आंख खोल कर देख लेना, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। समय थोड़ा बचा हुआ है, मन फिरा लो। परमेश्वर आपको जिंदा जला डालेगा इस पृथ्वी पर। अगर यहाँ रह गए गलती से तो रेप्चर में चोर हो जाने के बाद मसीह विरोधी के दिन में हाहाकार मचा होगा। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना चौथा कटोरा उड़ेलेगा तो जो मनुष्य रह जाएंगे वे जिंदा जलेंगे इस पृथ्वी पर, जैसे प्रकाशित हुआ कि 16:8-9 वचन में लिखा हुआ है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है, उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मनुष्य यहाँ जिंदा जलेंगे, जिंदा मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी, जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी। इस सूरज के ऊपर एक आग का गोला बना देगा और लोग मर जाएंगे मगर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पाप विचार छोड़ दो। क्यों अपने प्राण को नाश करना चाहते हो? क्यों नरक में जाना चाहते हो? छोड़ दो सब, जैसे मत्ती 5:29 वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख जो ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आपको लगता है कि मेरा फोन ही मुझे पाप में गिराता है तो उसे कम यूज करो। अगर आपको लगता है कि मैं उस लड़की के द्वारा ही कारण ही पाप में गिरता हूँ तो उसे छोड़ दो। ना कि आपको हाथ काटना है, ना कि आंख निकालना है। पाप विचार के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरना परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। अगर एक बार उस अधोलोक में चले गए तो वहां से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, जैसे मत्ती 5:30 वचन में लिखा हुआ है, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अगर आपको हस्तमैथुन करने की आदत पड़ गई है मेरे प्रियो, तो उसे अभी बंद कर दो। इस संसार के पीछे मत चलिए, वरना यही संसार ही आपको डुबो कर रख देगा। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड आए तो उसे अभी गुड बाय बोल दो, छोड़ दो उसे, ये सब गंदी लतें छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो मेरे प्रियो, एक दिन हम उनसे आमने सामने मिलेंगे। परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग लेना, हो सकता है परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे दे। मेरे प्रियजनों, ये सच बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, जागो जागो, कब तक पाप करते रहोगे? कब तक पाप करते रहोगे? क्या अंत नहीं? कभी तो इन सब पापों का अंत होगा। इसलिए समय है,
समय रहते हुए यीशु मसीह के पास लौटो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। कब तक पाप करते रहोगे मेरे प्रियजनों, कब तक? अभी समय है, यीशु मसीह अचानक आ सकता है। जरा सोचो, यदि हम पाप करते वक्त उस वक्त पाए जाए जिस वक्त यीशु मसीह आ जाए, तो क्या आप यीशु मसीह का स्वर्ग जा पाएंगे? ये अपने आप से पूछ कर देखो मेरे प्रियजनों, क्या यीशु मसीह आपको लेकर चला जाएगा? यीशु मसीह का शब्द ही इतना पवित्र है मेरे प्रियजनों, जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग, धर्मी लोग ही जा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमने पाप किए हैं, अंधियारे में किया है, गुप्त में किया है, उन पापों को मेरे सामने मानो, मेरे सामने छोड़ो, पश्चाताप करो, तौबा करो, तो मैं उन पापों को क्षमा करूंगा। मेरे प्रियजनों, यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है तो परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यदि अपने पापों को छिपाएंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा, उसका काम कभी सफल नहीं होगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, पाप छोड़ दो पाप मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा, जो कभी नाश नहीं होता है, जो कभी नाश नहीं होता। मेरे प्रियजनों, जरा सोचो मेरे प्रियजनों, अगर कोई यहाँ पर रह जाएगा, छूट जाएगा, तो उसका क्या हाल होगा? उस समय छूट जाएगा तो वे लोग यहाँ पर बिन चढ़वाहों की भेड़े बन जाएंगे। उस समय उनको कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही उस समय कि हम क्या करें, आगे हम क्या करें और आगे क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने अपने वचन में साफ साफ कह दिया है, आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। जरा सोचो, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? जो व्यक्ति नरक में जाएगा उसका बहुत ही बुरा हाल होगा, जहाँ पर लोहा पानी पानी बन जाता है। मेरे जब मसीह लोग स्वर्ग में राज करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, नरक में लोग हमेशा हमेशा के लिए नीचे अधलोक में तड़पते होंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे और दुआ करते होंगे कि काश कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, काश विकास वहाँ पर उठा बचा होगा। मेरे पिछले रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। वहाँ की बाइबल बताती है, वहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ का धुआं युगानुग निरंतर उठता रहता है। मेरे पिछले समय कम है, दिन बुरे हैं, अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गुड लक।